हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुन्नी देवी, बिहारी फूड रेसिपी चैनल में सभी का स्वागत है। मैं आज एक नई रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें शाही पनीर बनाने जा रही हूँ। दोस्तों देखिए, मैं शाही पनीर बनाकर दिखाती हूँ। दोस्तों ये मैंने 3 टमाटर ले ली हूँ, इसको मैं पीस कर सिलोट में पेस्ट बनाऊंगी। और ये है मेरा अदरक और लहसुन, इसका भी मैं पेस्ट बनाऊंगी पीस कर। ये है 3 प्याज मेरा, ये भी मैं पीस कर पेस्ट बना लूंगी। और ये है मेरा 100 ग्राम काजू, इसको भी मैं पीस कर पेस्ट बना लेती हूँ। उसके आगे मैं दिखाती हूँ दोस्तों, मैं जा रही हूँ सिलट पीसने। पहले मैं लहसुन और अदरक का पेस्ट बना लेती हूँ पीस। देखिए दोस्तों, मैं अब काजू को पीस लेती हूँ। प्याज मैं पीस, देखिए मेरा पेस्ट सारा तैयार हो गया है। और ये मैं 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्चा पाउडर ले ली हूँ। और ये सारा मेरा पेस्ट तैयार हो गया है। कढ़ाई को चढ़ा ली हूँ, कढ़ाई भी मेरा गर्म हो चुका है। इसमें मैं जीरा डाल देती हूँ और तेल डाल देती हूँ। और इसमें मैं हरी मिर्च का कटा हुआ डाल देती हूँ। उसके बाद मैं ये प्याज का पेस्ट है वो डाल देती हूँ। प्याज का पेस्ट को थोड़ा भून लेती हूँ। अब इसमें मैं टमाटर का पेस्ट डाल देती हूँ। टमाटर का पेस्ट को डालकर 2 मिनट इसको भी भून लेती हूँ। अब मैं इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट है, काली मिर्च, तीनों चीज का है, इसको मैं डाल के भून लेती हूँ। और इसमें ये हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर, इसको भी मैं डाल के भून लेती हूँ। देखिए अब मैं इसमें काजू का पेस्ट है जो डाल देती हूँ। और इसको भी 2 मिनट के लिए चला लेती हूँ। अब इसमें हल्का पानी डालकर मैं इसको 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ ढककर। अब इसमें नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार। और इसको ढककर 5 मिनट के लिए पका लेती हूँ, जब तक मैं पनीर को काट लेती हूँ। देखिए दोस्तों, ये मेरा घर का पनीर है, घर में मैं पनीर अपने बनाई हूँ। इसको मैं काट लेती हूँ। देखिए मैं काट कर पनीर को तैयार कर ली हूँ। देखिए अब मैं पीस को डाल देती हूँ। इसको भी 1 मिनट के लिए पका लेती हूँ और ऊपर से मसाला डाल देती हूँ। ऊपर से खींच। देखिए मेरा पनीर रेडी हो गया है, मैं अब इसको चूल्हे पर से उतार देती हूँ। मेरा पनीर रेडी हो गया है, देखिए देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होगा। दोस्तों अगर इस तरीके से मेरे तरीके से आप लोग घर पर ट्राई कीजिएगा तो बहुत ही टेस्टी पनीर बनेगा। और मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आगे वीडियो में फिर मिलूंगी, उसके लिए धन्यवाद।